राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार आ चुकी हैं। पटना एयरपोर्ट पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। अपने 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति बापू सभागार पहुंची। यहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पौधा, राष्ट्रपति की पोर्ट्रेट और भागलपुरी सिल्क की साड़ी देकर राष्ट्रपति का स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने 4th कृषि रोडमैप को लॉन्च किया। कृषि रोडमैप का प्रेजेंटेशन दिया गया। PPP मोड में खेती की जाएगी। बता दें कि 4th कृषि रोडमैप में अगले 5 साल में 1,62,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक हर खेत में पानी पहुंच जाए। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। राज्यपाल से आग्रह है कि वह भी रोडमैप की निगरानी करे। कृषि बिहार की लोक संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। बोटोहिया, विदेशिया से लेकर कटनी और रोपनी गीतों तक की बिहार की लोक संस्कृति और साहित्य की यात्रा ने पूरी विश्व में अपनी पहचान बनाई है। देवियों और सज्जनों, बिहार की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। हम सब जानते हैं कि मानव सभ्यता के विकास और कृषि के बीच घनिष्ठ संबंध रहा है। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार है। कृषि और संबंध क्षेत्रों में न केवल राज्य का लगभग आधा कार्यबल लगा हुआ है, बल्कि राज्य की GDP में भी इसका अहम योगदान है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका स्वागत करता हूं और ये बहुत खुशी की बात है कि आज जो है 4th कृषि रोड मैप की शुरुआत हो रही है। और सबसे पहले मैं महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और इनसे हमने अनुरोध किया, उन्होंने उसे स्वीकार किया और यहां आज उपस्थित हुई। और सबसे पहले हम लोगों ने 2008 में कृषि रोड मैप की शुरुआत की थी, 4 साल के लिए 2008 से 2012, और उसमें इतना विकास हुआ कि धान, गेहूं, मक्का, आलू इस सब का उत्पादन बढ़ा, उसकी उत्पादकता बढ़ने लगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।